क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि तीन मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मुशियत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। हर कोई कर जाता है, इंडिया भी कर जाता है, इंडिया ने की, इंडिया करेगा, बाद में इंडिया भी उसका खमियाजा भुगतेगा। वन सेकंड, अच्छा उन्होंने कहा, यूएस ने कहा आप लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना इंडिया को, इंडिया ने नहीं मानी उनकी, इंडिया ने कहा अपने काम से काम रखो, इंडिया ने 16 में यूपीआई का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत जबरदस्त था और ये एक बड़ी बहुत बड़ी इनोवेटिव इनोवेशन थी। और इनका वैसे तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बैकग्राउंड है, लेकिन उस वक्त के बाद से इनके पास रेवेन्यू मंथली जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो काफ़ी आना शुरू हो गए। और उसका सबसे बेनिफिट उनको ये हुआ कि ट्रांजैक्शन में जो बैंक लोग चार्जेस देते थे मुख्तलिफ किस्म के, 500 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन देते थे, खा 5,000 पे अभी आपने भेजना है तो ये आपको ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ती थी, उधर भी थी इधर हमारे पास भी है। लेकिन अब वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और हम लोग आज भी वो 500 रुपए के करीब एक अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बात रही है उनकी अपील की इंडिया से, अगर वो इंडिया से लेना चाहें ना तो ले सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है इंडिया से कुछ लेना, ठीक है। इंडिया को भी पता कि अगर हम देंगे ना तो बेनिफिट उनको ही है, बजाय इसके कि अब देखें आप पाकिस्तान में अभी आपके पास क्या है। अच्छा वो आपकी बात ठीक है कि इंडिया को पता है कि बेनिफिट है उनका, लेकिन जहाँ बात आपने ये की ना कि अमेरिका लेना चाह रहा है तो वो लेकर रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज डोमिनेंट अमेरिका जो है वो इंडिया पर नहीं है। इंडिया ने अभी रिसेंटली कई दफ़ा उनके वेस्ट मीडिया को इंटरनेशनल मार्केट में खड़े होकर करारे जवाब दिए हैं कि आप लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले कोई नहीं हो, हम आपको बायकॉट कर देंगे। करारे जवाब तो पाकिस्तानियों ने भी बड़े दिए हैं अमेरिका को, अमेरिका को कई मतलब कई ऐसे पॉइंट है। एग्जांपल एग्जांपल आप ले लें ISPR, एक दफा जिन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बाद में फिर खमियाजा भी तो भुगता था, बाद में फिर माफिया मांग के दोबारा फिर फंडिंग भी तो बहाल की गई थी। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि तीन मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मुशियत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क्स थे जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडोनेशिया विल बी द नेक्स्ट टॉप 3 रैंकिंग में। इंडिया के बाद जो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है वो इंडोनेशिया आ रहा है। इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो सलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे पानी, वहाँ की मौसियत इतनी ख़राब थी, वो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें और टेक्नोलॉजी में इतना हमसे आगे चले गए हैं कि आप देखें खमियाजा भुगतने की बात बाद में है, बातें हर कोई कर जाता है, इंडिया भी कर जाता है, इंडिया ने की, इंडिया करेगा, बाद में इंडिया भी उसका खमियाजा भुगतेगा। वन सेकंड, अच्छा उन्होंने कहा, यूएस ने कहा आप लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना इंडिया को, इंडिया ने नहीं मानी उनकी, इंडिया ने कहा अपने काम से काम रखो, इंडिया ने क्या रशिया से तेल नहीं लिया? आज लिया ना, मेरी बात सुने, आज के लिए ले लिया, कितनी देर तक नहीं लेगा चले मुझे बताएं, अब बाकी वो तेल कहाँ से लेगा? और मतलब क्या मतलब वो लेगा तेल? देखे मेरी बात क्या, यूएस यूएस तो खुद तेल लेता है, लेकिन उसने कहा था आपने रशिया से तेल नहीं लेना है।